dad visited her. दोस्तों, ये कहानी है क्रेग नाम के एक लड़के की, जो कि एक बूढ़े आदमी के घर में काम करता था। एक दिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है, तो अंतिम संस्कार के दौरान क्रेग उस आदमी की पॉकेट में उसी का फोन भी रख देता है। उसके बाद घर जाकर वो आखिरी बार उस बूढ़े आदमी को मैसेज लिखकर हमेशा के लिए गुड बाय बोलता है। लेकिन जब वो सुबह उठकर अपना फोन चेक करता है, तो उसे उसी बूढ़े आदमी का रिप्लाई मिलता है। ये देखकर वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, वो जानने के लिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्रेग नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि आज कई सालों बाद अपने होम टाउन वापस लौटा है। अपने होम टाउन वापस लौटने के बाद उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि जब वो बहुत छोटा था, तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, और वो अपनी मॉम की डेथ के लिए अपने आप को दोषी समझता है। हालांकि उनकी डेथ का कोई भी रीजन नहीं बताया गया है। इसी टाउन में एक बहुत अमीर आदमी रहता है, उनका नाम है मिस्टर हैरिगन। हैरिगन भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए वो हर रोज चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं। और एक दिन जब वो चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कहानी सुना रहा है, और ये बच्चा क्रेग होता है। क्रेग बहुत ही अच्छे से कहानी को सुनाता है, जिससे मिस्टर हैरिगन उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इसीलिए उसी शाम को मिस्टर हैरिगन क्रेग से मिलने उसके घर जाते हैं, और उसे ऑफर करते हैं कि वो उनके लिए बुक रीड करे, क्योंकि अब उनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, और इस काम के लिए वो क्रेग को हर घंटे $5 देंगे। क्रेग मिस्टर हैरिगन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, और अब वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है, जो कि किसी महल से कम नहीं था। इस घर में हर एक फैसिलिटी होती है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हालांकि इस घर में 50 कमरे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते हैं, जिसमें खुद मिस्टर हैरिगन और दूसरा उनका माली और तीसरी उनकी मेड। अब यहाँ क्रेग हर हफ्ते में 3 बार आता है, और मिस्टर हैरिगन कभी कभी उसे बोनस के तौर पर लॉटरी के टिकट्स देते हैं। हालांकि क्रेग यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए ही आता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, मिस्टर हैरिगन और क्रेग के बीच में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं, इसलिए अब क्रेग मिस्टर हैरिगन के बारे में और भी जानना चाहता है। वो एक दिन इंटरनेट कैफे जाता है और गूगल में उनके बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरिगन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका बिहेवियर अपने वर्कर्स के साथ बहुत रूड था। उनके वर्कर्स उनसे इतना परेशान हो गए थे कि कुछ लोगों ने उनकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली थी। हालांकि क्रेग ने उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मिस्टर हैरिगन के लिए क्रेग का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। क्रेग के लिए वो बहुत अच्छे और भले इंसान हैं। अब क्रेग टीनेजर हो चुका है, इसलिए वो हाई स्कूल में एडमिशन लेता है, जहां पर कैनी नाम का एक लड़का उसे बहुत बुली करता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे जूते साफ करने होंगे। क्रेग ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इससे पहले कैनी उसे और बुली कर पाता, वहां पर उनकी साइंस टीचर आ जाती है, जिस वजह से कैनी वहां से चला जाता है। और अब क्रेग के साथ जो भी यहां पर हुआ था, वो इन सारी बातों को मिस्टर हैरिगन से डिस्कस करता है। मिस्टर हैरिगन उसे कहते हैं कि जो लड़के तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हें उनसे नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से डील करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा स्कूल हो या तुम्हारा ऑफिस हो या तुम्हारा बिजनेस हो। अब क्रेग को हाई स्कूल में कुछ दिन हो चुके हैं। वो देखता है कि हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, वो सभी अपने स्मार्टफोन्स के हिसाब से डिवाइडेड हैं। जिनके पास सैमसंग के फोन हैं, वो अलग कैटेगरी में हैं। जिनके पास नोकिया के हैं, वो अलग कैटेगरी में, और जिनके पास आईफोन्स हैं, उन्हें सबसे कूल समझा जाता है। इसलिए क्रेग घर जाकर अपने पिता से कहता है कि मुझे भी आईफोन चाहिए, लेकिन उसके पिता उसे साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र फोन चलाने की नहीं बल्कि स्टडी करने की है, तुम्हें अपने स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर हैरिगन, जो उसे बार बार लॉटरी के टिकट्स देते थे, आज जब वो अपनी एक टिकट को स्क्रैच करता है, तो उसमें उसे $3,000 का इनाम मिलता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसके पिता भी अब उसके लिए आईफोन ले आते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस डे है, और क्रिसमस डे पर उसके पिता उसे एक आईफोन लाकर देते हैं। वो खुशी के मारे अपने डैड को गले लगाता है। वो उस फोन से सबसे पहले मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है, और उन्हें बताता है कि आपने मुझे जो लॉटरी टिकट दिया था, उसमें मैंने $3,000 का इनाम जीता है, और मुझे मेरा पहला आईफोन मिल चुका है। अगले दिन जब क्रेग स्कूल जाता है, तो वो अपने सभी दोस्तों को अपना आईफोन दिखाता है। इसके बाद वो कैफेटेरिया में जाता है,
है जहाँ पर उन बच्चों का ग्रुप था जिनके पास आईफोन है। यहाँ पर जेनिफर नाम की एक लड़की भी बैठी होती है जो कि उसका क्रश है। अब क्रेग डिसाइड करता है कि वो मिस्टर हैरिगन को भी एक आईफोन गिफ्ट करेगा ताकि वो उन्हें नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा सके। इसके अलावा वो उनसे जब चाहे तब बात कर पाएगा क्योंकि क्रेग को मिस्टर हैरिगन से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जल्दी ही वो मिस्टर हैरिगन के लिए एक आईफोन खरीदता है। वो आईफोन को मिस्टर हैरिगन को देने के लिए जाता है लेकिन वो उसे लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसकी आदत लग सकती है, पर क्रेग के समझाने के बाद वो आईफोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आईफोन के साथ बिताते हैं इसलिए बुक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। वो पूरा दिन आईफोन ही चलाते रहते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, यहाँ तक कि उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी पहनना पड़ता है। क्रेग अगले दिन जब अपने रूटीन के हिसाब से उनके घर बुक रीड करने के लिए आता है तो वो देखता है कि मिस्टर हैरिगन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो घर पर अकेले थे क्योंकि उनके दोनों हाउसकीपर आज छुट्टी पर थे। क्रेग अपने पिता को कॉल करता है। उसके पिता कहते हैं कि जब तक कोई हेल्प नहीं आती तुम वहीं पर रहो। क्रेग की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि आज उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। हालांकि उसे पता चल गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन फिर भी वो उनके लिए बुक रीड करता है। वहां पर कम्युनिटी के दूसरे लोग आते हैं जो उनके फ्यूनरल की तैयारी करते हैं। चर्च में सब इकट्ठा होते हैं जहां पर क्रेग उनके लिए एक बार फिर से बुक रीड करता है। हालांकि ऐसा करने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो मिस्टर हैरिगन के जाने से बहुत दुखी था। बुक रीड करने के बाद वो मिस्टर हैरिगन के पास आता है और चुपके से उनके आईफोन को उनकी पॉकेट में रख देता है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ चर्च से बाहर निकल जाता है लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर हैरिगन का पर्सनल फाइनेंस मैनेजर आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर हैरिगन ने अपनी वेल्थ में से $800,000 क्रेग के नाम किए हैं ताकि उसे अच्छी एजुकेशन मिल सके। क्रेग और उसके पिता ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। क्रेग अपने घर आता है और अपने फोन से मिस्टर हैरिगन को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हें खो दिया जिसका मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अगर तुम वापस मिल जाओ तो मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को बहुत मिस करता हूँ। इस मैसेज को वो मिस्टर हैरिगन को फॉरवर्ड कर देता है और सो जाता है। पर हैरानी की बात ये होती है कि अगली सुबह उसे मिस्टर हैरिगन का रिप्लाई मिलता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने मिस्टर हैरिगन के फोन को उनकी पॉकेट में रखा था। वो अपने डैड से जाकर ये सारी बात बताता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि शायद कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन क्रेग कहता है कि हमें ग्रेवयार्ड जाना चाहिए और मिस्टर हैरिगन को बाहर निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जिंदा हैं। उसके पिता उसे समझाते हैं कि डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनकी डेथ हो चुकी है। वो हर रोज मिस्टर हैरिगन की ग्रेव पर जाता है। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता है। एक दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि कैनी को पकड़ लिया गया है क्योंकि वो नारकोटिक्स यानी नशीली चीजों को स्कूल में बेच रहा था। कैनी को लगता है कि ये सब क्रेग की वजह से हुआ है, इसलिए वो एनुअल डे के दिन क्रेग के पास जाता है और उसे पकड़कर उसे बुरी तरह से मारता है। हालांकि टीचर्स को ये बात पता चल जाती है लेकिन वो इसकी रिपोर्ट अथॉरिटीज को नहीं देते हैं। उसी रात क्रेग एक बार फिर से मिस्टर हैरिगन के फोन पर वॉइस मैसेज भेजता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है। उसे पता था कि कोई रिप्लाई नहीं आएगा लेकिन फिर भी वो अपनी दिल की बात को मिस्टर हैरिगन के साथ शेयर करता है और तभी उसे रिप्लाई मिलता है। मैसेज में लिखा था कि कैनी की डेथ हो चुकी है। ये जानकर वो बहुत हैरान हो जाता है और तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी होती है। उसे पता चलता है कि कैनी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिसकी वजह से वो छत के ऊपर से गिरकर मर गया। क्रेग उसकी बॉडी को ध्यान से देखता है। उसके हाथ में शू पॉलिश लगी हुई थी और कुछ पॉलिश उसके मुंह पर भी लगी होती है। क्रेग को याद आता है कि जब पहली बार वो कैनी से मिला था तो कैनी ने उसे बुली करते हुए कहा था कि तुम मेरे शू को पॉलिश करो नहीं तो इसी पॉलिश को तुम्हें खाना होगा, और अब वही चीज कैनी के साथ होती है। क्रेग को पूरा विश्वास हो गया था कि ऐसा मिस्टर हैरिगन की आत्मा ने ही किया है, इसलिए वो इस चीज की और भी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वो मिस्टर हैरिगन के पुराने एम्प्लॉय के पास जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे पता चलता है कि इस एम्प्लॉय ने मिस्टर हैरिगन की कंपनी में चोरी की थी जिसके बाद उसे निकाल दिया गया था। और हैरानी की बात ये होती है कि कुछ दिनों बाद इस एम्प्लॉय की भी डेथ हो जाती है। क्रेग को पूरा विश्वास हो गया था कि मिस्टर हैरिगन की आत्मा एक एविल आत्मा है, इसलिए वो
वो अपने उस फोन को, जिस फोन से वो मिस्टर हैरिगन को वॉइस मैसेज भेजता है, वो उसे एक बॉक्स में बंद करके रख देता है। उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो जर्नलिज्म करने बॉस्टन चला जाता है। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक दिन उसके पिता का उसे कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी हाई स्कूल की टीचर, जिससे तुम बहुत क्लोज थे, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। क्रेग को ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उस टीचर ने बचपन से लेकर अब तक उसका हमेशा सपोर्ट किया था। क्रेग वापस अपने होम टाउन आता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम विडमूव है, वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से ही उस टीचर की डेथ हुई है। यहाँ पर क्रेग और उसके जितने भी साथी हैं, वो सब चाहते हैं कि विडमूव को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि पहले भी वो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में अरेस्ट हो चुका है। लेकिन कोर्ट उसे सिर्फ 6 महीने के लिए रिहैब सेंटर भेजने का फैसला सुनाती है, जो कि कोई खास सजा नहीं थी। और अब क्रेग किसी भी कीमत पर उसे सजा देना चाहता था, इसलिए वो उस बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर उसने अपने आईफोन को रख दिया था, जिससे वो हमेशा मिस्टर हैरिगन से मैसेज किया करता था। क्रेग उस फोन को निकाल कर मिस्टर हैरिगन को मैसेज करता है कि विडमूव को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसकी वजह से एक मासूम जान चली गई। और अगले दिन क्रेग को पता चलता है कि रिहैब सेंटर में विडमूव की शावर लेते हुए डेथ हो गई। फिर इसके बाद से क्रेग अपने आप को विडमूव और कैनी की डेथ का दोषी समझता है, इसलिए वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है ताकि उसे सुपर नेचुरल एक्टिविटीज का कोई सबूत मिल सके। लेकिन वहाँ उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद वो मिस्टर हैरिगन की क्लोजेट को खोलता है, जहाँ पर उसे मिस्टर हैरिगन के बचपन की फोटो मिलती है। फिर उसे थोड़ा और रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि जिस तरह से बहुत कम उम्र में उसने अपनी मॉम को खो दिया था, उसी तरह से मिस्टर हैरिगन ने भी अपनी मॉम को खो दिया था, और यही कारण था कि मिस्टर हैरिगन ने उसे रीडर के तौर पर चुना था। ये सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि वो जानता था कि इस शहर में और भी बहुत बेहतरीन रीडर्स हैं, फिर भी मिस्टर हैरिगन ने उसे ही क्यों चुना। हालांकि अब उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। दरअसल मिस्टर हैरिगन उसमें अपना रूप देखते थे और उसकी केयर करते थे, इसलिए उनकी स्पिरिट क्रेग को मैसेज का रिप्लाई किया करती थी। इसके बाद क्रेग अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर वो बचपन से नहीं गया था। वहाँ जाकर वो बहुत जोर से रोने लगता है, और फिर लास्ट में वो एक नदी के पास जाता है, जहाँ पर वो अपने पहले आईफोन को, जिससे वो मिस्टर हैरिगन को हमेशा वॉइस नोट भेजा करता था, उसे नदी में फेंक देता है। इसके बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो कहता है कि जब भी मुझे दफनाया जाए तो मेरी पॉकेट पूरी तरह से खाली होनी चाहिए, उसमें कोई भी फोन ना हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।